हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार. आज आहे आपला फिर फटका मारण्याचा कारनामा. नागार्जुन सागर डॅम देखेंगे हम, बहुत खूबसूरत नजारा होगा ऐसी उम्मीद तो है. मैंने तो मेरे बचपन में देखा था और अब आज बच्चों के बचपन में इसे हम फिर से देखेंगे. इस सीजन की ये पहली धुंध है. ये ऐलान है कि रेनी सीजन खत्म हो चुका है और सर्मा का आगाज भी हो चुका है. यह है मेरा एचडी कैम 5000 एक्शन कैमरा. ये थोड़ी मेरी मदद कर देगा शूट करने में, क्योंकि आगे मेरे हस्बैंड और फादर इन लॉ बैठे हैं, मैं बीच में हूँ, मैं विंडो से शूट करूँगी, तो हो सकता है शूट क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ भी हो जाए. अब इस वक्त हम जहाँ पर है वो है आउटर रिंग रोड हैदराबाद. बड़ी कमाल की चीज़ बनी है ये. 158 किलोमीटर का है और 8-lane एक्सप्रेस हाईवे है. हैदराबाद जो तेलंगाना की कैपिटल प्लेस है, इसे ये एनसर्कल करता है. और इसका 124 किलोमीटर जो है सभी इम्पोर्टेंट अर्बन नोड्स को कवर करता है. अगर आपको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है तो बस यहीं से आपको जाना है. अब इस एयरपोर्ट की क्या खास बात है, तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड के टॉप 10 एयरपोर्ट्स में से है. इसकी रैंक 8 है, ये लेटेस्ट अपडेट है. और आपने अभी गौर किया होगा रास्ते में काफ़ी नज़ारे फटाफट चेंज हो रहे हैं. कहीं पर एक परसिस्टेंसी नहीं कि अगर हम हाईवे पर है तो बस हाईवे का ही नज़ारा है. काफ़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी चल रही है हमारी. सूरज निकलकर काफ़ी देर हो चुका है और ये फर्स्ट टाइम है कई ज़माने बाद कि हम इतने लेट स्टार्ट किए हैं जर्नी के लिए. हम एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक हैं और प्लेन को नज़दीक से देखकर बच्चे तो बड़े एक्साइटेड हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त ये एक्सप्रेस हाईवे है. इसे देखकर आपका जी ललचाएगा कि गाड़ी आप दौड़ा के लेके जाए, लेकिन प्लीज़ आपकी स्पीड लिमिट है बस 100. 100 से बस 10 भी आगे गए ना, तो इतने सारे हिडन कैमरास हैं यहाँ पर. बस 5 मिनट में आपके फ़ोन पर चलान आ जाएगा और वो भी बस 1500 रुपये का. ऐसे 2 चलान तो हम कटवा चुके हैं, तो बस थोड़ा संभल कर चलाएँ, अपनी जेब मत कटवाएँ. अब ये है वंडरला, हैदराबाद का बहुत ही कमाल का अम्यूज़मेंट पार्क है. इनफैक्ट ये इंडिया का 8th रैंक का अम्यूज़मेंट पार्क है. और बेंगलोर में जो अम्यूज़मेंट पार्क है वंडरला, वो एशिया का 6th रैंक का है. और कोची में जो है वो 13th रैंक का है. तो बस आपको मौका मिले तो इन्हें ज़रूर विज़िट करें. तो एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए हमें जाना है नागार्जुन सागर डैम की तरफ. अब डैम बच्चों को दिखाना तो बनता है, क्योंकि ये अर्लीस्ट मल्टीपर्पज़ इरीगेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था. तो इतनी पुरानी चीज़ है, तो इसे एक बार तो बच्चों को दिखाना बनता है. राइट साइड को देखिए, बहुत अलग अलग व्हीकल्स खड़े हैं और बच्चों की एक ट्रिप बहुत कमाल की हुई है. एक ही साथ उन्होंने कई नज़ारे देख लिए यहाँ पर. अब यहाँ पर जो मुंजल के झाड़ है, ये बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. तो इस टाइम हम लोगों ने क्या किया है, बच्चों के हाथ में उनके अपने इंडिविजुअल कैमरास है और यहाँ पर जो भी इमेजेस मैंने ऐड किए हैं इस वीडियो में, ये बच्चों के निकाली हुई हैं. और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि उनका ये एफर्ट कैसा रहा. ये सारा टीम वर्क अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो ऐसे ही कुछ ब्लॉग्स मैं अपने पकवान के साथ साथ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. तो हम पहुंच गए हैं डैम के बैक वाटर के पास. पानी की लेवल काफ़ी अच्छी है, सभी सीढ़ियाँ पानी के नीचे जा चुकी हैं. यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, क्रोकोडाइल जोन है. उसके बावजूद लोग सभी अपने अपने कामों में काफ़ी बिजी दिख रहे हैं. और यहाँ पर हमारे फादर इन लॉ आगे निकल चुके हैं. अगर हमारे ट्रेन का इंजन जा रहा है तो बस हम सभी डब्बे भी अभी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे और थोड़ा नेचर का हम भी लुत्फ उठाएंगे.
बैक वाटर देखने के बाद अब हम आ चुके हैं, यहाँ पर फेरी की अरेंजमेंट है तो बच्चे यहाँ पर थोड़ा इंजॉय करेंगे। बिल्कुल एसी की अरेंजमेंट भी है यहाँ पर। तो ये होने के बाद हम चले हैं गेट्स देखने। उम्मीद है गेट्स अगर खुले होंगे तो वो पानी देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद के खिलाफ रोड्स की उतनी अच्छे से मेंटेनेंस नहीं है। अब हम पहुंच रहे हैं गेट्स के पास और ये बाजू का रास्ता जो है बहुत खूबसूरत है तो उसके पिक्स हमने ले लिए हैं। और गेट्स 26 गेट्स है लेकिन एक भी गेट खुला हुआ नहीं है तो थोड़ी नाउम्मीदी हुई है, क्योंकि अगर गेट्स खुले होते तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा होता। तो खैर कोई बात नहीं है, ये इतने सारे गेट्स ना मिले लेकिन हमें ये छोटा सा झरना मिल गया और इसी में हम खुश हो गए। खैर थोड़ी मायूसी तो ज़रूर हुई है लेकिन बच्चों ने ये झरना बहुत इंजॉय किया, अच्छे अच्छे ये वीडियोज़ निकाले हैं, पिक्स निकाले हैं इसी के सामने, तो आपको भी बहुत पसंद आया होगा यकीन है मुझे। तो किसी ने हमें सजेस्ट किया कि इस एरिया में पानी के पास जा सकते हैं तो हम हो लिए इस तरफ के लिए। अब थोड़ा देर यहाँ पर रुकेंगे और फिर हम अपने घर पर वापस निकल लेंगे।